लाइन देखिए लाइन लाइन को लिखा क्या कहना चाहोगे आप दोस्त की शादी है कहना चाह रहे हो ना खुश हो ना और भाई जाकिर भाई जैसे देख सकते हो हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी गाड़ी ये खड़ी है देख सब जने बैठी है सब जने भाई हाथ बता दो जाने के लिए रेडी है और बाकी आपको दिखाती है देख सकते हो आप गाड़ी दूल्हा की सामने खड़ी है उधर फॉर्च्यूनर कर ले सही है हाँ। आप देख सकते हो गाड़ी बिल्कुल रेडी है हमारा भैया बोलते भाई जिलानी गाड़ी पीछे चलेगी फॉर्च्यूनर के हमारे आप निकाल ले रहे आप क्या तो गाइस आप देख सकते हो बिल्कुल तैयार है भाई मेरे अरे मैं तक आई आया हूँ मैं
कौन मर गया ये पुदीना सामने गाइस फैक्ट्री है बहुत बड़ी, काफी बड़ी फैक्ट्री आपको दिखाई दे रही होगी सामने। कौन आया है? सारे प्रकार जितने भी काम मालूम करते हैं अंकल जी से। रुक जाओ भैया, ढगिया रहा, ढगिया किधर गया? ढगिया जाना, ढगिया ढगिया डिलारी न ढगिया, सॉरी ढगिया, हाँ ढगिया जाओगे? हाँ 3 किलोमीटर ही है ये अगला पुल कूद का ना, अगला जो इससे पड़ेगा वो ढगिया का ही है। ठीक है, थैंक यू अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने रास्ता बनाया बताया हमें 3 किलोमीटर। ये हमारे फरिश्ते हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करी है। कंफ्यूजन है थोड़ा, दोबारा और कंफर्म करते हैं भैया जी से। भैया ढगिया का नाम है? ढगिया, ढगिया यही ढगिया है। तो इधर चल रहा है? चलो भाई, ये फॉर्च्यूनर और निकल गई सामने गाइस। ढगिया तो आ गए हैं गाइस, हमारा लड़की वाला घर देखना, लड़की घर के गाइस। तो रास्ते के बहुत अड्डे गड्ढी है यार, बड़े पानी है भैया, नहर बना पड़ा, पूरा तालाब में मच्छी पाल सकते हो आप। रास्ते बहुत हारते हो रहे हैं कहीं कहीं के भाई, बड़ी मुश्किल से मैरिज हॉल का हमें एड्रेस मिला है, पहुंचने वाले हैं मैरिज हॉल। काफी जगह टक्कर मार कर, टक्कर खा कर तो हमें मैरिज हॉल मिला। ये आगे सागर मैरिज हॉल है, कूदने के लिए गद्दे बिछा रखा रिश्तेदारों ने गाइस, देख सकते हो आप। ऑल बराती, सारे बराती आ चुके हैं और भैया फॉर्च्यूनर वो पहले ही पहुंच गया, हमसे हमें छोड़ के, दूल्हा हमें छोड़ कर पहुंच गया पहले। ओहो काफी मुद्दों पे बात। अरे आप देख सकते हो मेरी गोल में पहुंच गए, खाने खाने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास जाते पहले काफी लोग। दूल्हा नहीं आया अभी, दूल्हा नहीं आया अभी, तो उनको कर लाया ना। हाँ दूल्हा के साथ ही आएंगे, उसे पकड़ ले। भाई मैं सोच रहा तू अकेले अकेले कर लिया होगा द्वार, अकेला तोड़ दूंगा तुझे अगर तू ना कुछ भी अकेला कर लिया तो साथ में मिलकर करेंगे। यार मेरी पैंट गीली हो गई, पैंट गीली हो गई। अरे यार ये हमारा दोस्त सामने ये खड़ा है, बहुत
हाथ पाथ तो हिला रही है। देखो ये दबंग आदमी है, ये तो भाई दबंग आदमी है। ये देख सकते हो आप, हमारे इस्तकबाल के लिए काफी लोग खड़े हैं, बहुत सारे जने। हाँ भाई आजा भाई, कितना वेट करागा। ये सामने केक हमारे भाई के लिए है, ये आजा भाई उतर के आजा यार जल्दी से। क्या फायदा हाथ बढ़ाए खड़े हैं आप कुछ ना इसमें मतलब बस हैप्पी अभी नहीं अरे आप रख लो आप रख लो माननी पड़ेगी। वालेकुम अस्सलाम भाई, 1000 रुपये बैंक की मिली है अंदर कुछ कैमरा है ये ब्लॉग बन गया ब्लॉग। कहाँ है झूला बैठने के लिए? कहाँ है भैया बैठने के लिए? बैठ ले भैया। मैंने आपको दिखा दिया है, मेरी हमारी ध्यान फुल रास्ते में आपको दिखा दिया। मैं आपको खाना खाएंगे बाकी आपसे मिल पाता हूँ। मैं खाना खाने के लिए ओनली सारे बराती बैठ गए हैं, उसके बाद आपको मिल पाता हूँ। ये तो सब बैठ गए हैं, सब ये भी है। खाना जब चालू हो जाएगा आपको नेक लेने के लिए आए हैं। नेक लेने कुछ तो बोल दो, तो कम लोग आप। हाँ
भतीजे मेरे पास तो। अरे ये बंद करिए, भाई थोड़ा सा खड़े हो जाइए, स्मार्ट लग रहे हो बहुत ज्यादा, हैप्पी बढ़िया भाई, थोड़ा सा बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, खाना खाती है। गाइस इमाम साहब समझा रहे हैं, इनकी वकालत के दो गवाह हैं, साहब की वकालत गवाहों की गवाही हाजिरा ने अल्लाह उसके रसूल के रूप में 12,786 रुपये मेरे नकद मैदान मक्का के उसको तुम्हारे निकाह में दिया है कि तुमने उसको निकाह में कबूल किया, जोर से भाई जी एक बार तो बोल दिया। मतलब हुसैन साहब की साहबजादी फरीद मरवी, उन्होंने अपने नफ्स से निकाह की इजाज़त साहब को दी है, उनकी अकालत के दो गवाह रफी साहब की अकालत गवाहों की गवाही हाजिरा ने महफिल के सामने, अल्लाह उसके रसूल के रूप में 11,786 रुपये महरे नफ्स नया नान नफरत उसको तुम्हारे निकाह में दिया है तो तुमने उसको अपने निकाह में कबूल किया। भाई दो बार बोल दिया है, कबूल किया। उन्होंने अपने नफरिका की इजाज़त वकील साहब को दी है, जिनकी वकालत के दो गवाह हैं वकील साहब की वकालत गवाहों की गवाही हाजिरा ने महफिल के सामने, अल्लाह उसके रसूल के रूप में 12,786 रुपये महरे नफ्स। हेलो मैं नाम लगता है उसको तुम्हारे निकाह में दिया, वालेकुम सलाम, तुमने उसको अपने निकाह में कबूल किया, वालेकुम सलाम। इकरारों भाई तीन बार कबूल बोल दिया है। हाँ बताओ, निकाह हो रहा है, निकाह में बैठो मुझे। ठीक है दोस्त, सिग्नेचर करने के लिए जा रहा है, जो भी तुझे पसंद हो उर्दू में लिखना है उर्दू में, जय उर्दू में कर दिए साइन जलाने ने भैया, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ये निकाह के छुआरे रखे हैं सामने, देख सकते हो आप, तमाम जमीनी व आसमानी बलाओं से, बीमारियों से, हादसा से हिफाजत करना, हाजरीन की हाजिरी को कबूल करना, या अल्लाह सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह सब की फताहों को दरगुजर फरमा, इलाहल आलमीन उसूल शरिया के मुताबिक हम तमाम को जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, नमाज पंजगाना का शौक अता फरमा, पूरी दुनिया के अंदर मजहब इस्लाम का बोलबाला फरमा, या अल्लाह जालिमीन के जुल्म से मुसलमानों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह जालिमीन के मंसूबों को नाकाम फरमा, इलाहल आलमीन पूरी दुनिया के अंदर अमन अमान का माहौल पैदा फरमा, मजहब इस्लाम का बोलबाला फरमा, इलाहल आलमीन इस मुख्तसर से दुआ को अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके से कबूल फरमा, الله تعالى باقي خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سلام کرنے کے لیے جا رہا ہے. وعلیکم السلام. مبارک ہو مبارک ہو مبارک باد. बहुत खुश दिखाई दे रहा है, देखो निकाह हो गया, बहुत खुश हो रहा है, निकाह की तो खुशी अलग है भैया।
दा यार सीएल लड़े कखा विच रो। खाना खा के हम बारात रुखसती हो गई है और अंधेरा हो गया है, अब बैक टू होम अब घर जा रहे हैं। काफी खुश, काफी बहुत ज्यादा एंजॉय किया सबने मिलके। मजा आया ना भाई।